हेलो लर्नर्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। मींस कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं ब्लड के, जो कि बेसिकली हम देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा होता है एंड देन उसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स, ये मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एंड देन फर्दर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, वाटर होता है और अदर सॉल्यूट्स होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो जनरलाइज्ड हम जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम देखते हैं, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू जिसके बेसिकली दो हम कह सकते हैं कॉम्पोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड दूसरा होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो सेल्स आती हैं वो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, RBCs बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड है विच इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में हम देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, मींस इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो मेनी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, देन हार्मोन्स, हीट एंड वेस्ट, तो इन सब के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। इसके बाद रेगुलेशन में इसका रोल होता है, इट रेगुलेट pH, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ब्लड, एंड वाटर कंटेंट जो है सेल्स का उसको रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन प्रोटेक्शन में इसका रोल होता है कि ये जो है जैसे कि प्रोटेक्ट करता है, जब ब्लड लॉस होता है, ठीक है, उस टाइम भी क्लॉटिंग, अभी हम देखेंगे हाउ प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग के थ्रू ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, जैसे हम देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं एंड बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जैसे कि एंटी बॉडीज़ हो गई, इंटरफेरॉन एंड कॉम्प्लीमेंट, तो इनके थ्रू ब्लड जो है वो डिजीज़ से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है कंपोनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। तो हम देख चुके हैं कि बेसिकली ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या है, ये एक वाटरी लिक्विड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड हमने भी पढ़ा था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेल्स और सेल फ्रेगमेंट इसके अंदर आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हम ब्लड का एक सैंपल लें, ठीक है, और उसको सेंट्रीफ्यूज्ड कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करें, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे ब्लड का एक सैंपल लिया गया एंड उसको सेंट्रीफ्यूज्ड किया गया, ये हम कह सकते हैं स्पन किया जाए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो डेंस थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो डेंस सेल्स होंगी वो सिंक कर जाएंगी बॉटम में, वो बॉटम में पहुंच जाएंगी, एंड जो लाइटर होंगी वो कहाँ पे चली जाएंगी, टॉप में पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स जो कि ज़्यादा डेंस हैं वो बॉटम में सिंक कर गई हैं, एंड इन सेल्स में भी आप देखोगे RBC आएगा एंड WBC एंड प्लेटलेट्स यहाँ तक, एंड ऊपर आप देख सकते हो ब्लड प्लाज्मा विच इज़ लेस डेंस, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा सेल्स की कंपेरिजन में लेस डेंस है इसलिए ये टॉप पे पहुंच जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा डेंस है वो होती है RBC, तो एकदम आपको एकदम बॉटम में दिखेंगी, और जो WBC है और प्लेटलेट्स हैं वो डेंस, दे आर डेंसर देन ब्लड प्लाज्मा, बट RBC से वो कम डेंस होती हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पर एक बफी कोड को फॉर्म कर लेती हैं। तो सबसे बॉटम में आपको दिखेंगी RBC, देन मिडल में WBC एंड प्लेटलेट्स की बफी कोट, एंड देन सबसे जो कम डेंस है वो आपको दिखेगा ब्लड प्लाज्मा। तो अगर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखें तो ब्लड के अंदर लगभग 45% होल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो 8% जो है
ब्लड होता है, ठीक है, एंड अदर फ्रूट्स एंड टिश्यूज़ 92% बाई वेट होते हैं. तो होल ब्लड को अगर हम देखें तो उसमें लगभग जो ब्लड प्लाज्मा है उसका कॉम्पोजिशन फॉर्म करता है लगभग 55%. तो पूरे ब्लड में 55% जो है वो आपको देखने को मिलता है ब्लड प्लाज्मा, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं 45% ऑफ द ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जनरली. ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इसमें जो मेजॉरिटी है वो रेड ब्लड सेल्स की होती है, और बाकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं वो लेस देन 1% है. यानी कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 99% जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं. बाकी जो पेल कलर या हम कह सकते हैं कलरलेस वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे आप नंबर भी देख सकते हो RBC 4.8 से 5.4 मिलियन हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स जो कि कलरलेस होती हैं या पेल होती हैं एंड देन प्लेटलेट्स ये लेस देन 1% है. ठीक है, 99% तो RBCs ही होता है. इनका आप नंबर देख सकते हो, जैसे 1,50,000 से 4,00,000 है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स 5,000 टू 10,000 वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सो अगर हम समराइज़ करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड को तो हम कह सकते हैं कि जो होल ब्लड है वो 8% बाय बॉडी वेट है, देन अदर फ्लूड्स जो हैं वो 92% बॉडी वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इसमें से जो बॉडी आपका होल ब्लड है उसमें जो 55% बाय वॉल्यूम ब्लड प्लाज्मा का होता है एंड 45% जो होते हैं उस बाय वॉल्यूम फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. देन हम ब्लड प्लाज्मा का अगर कॉम्पोजिशन देखें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर बेसिकली प्रोटीन्स जो कि 7% वाई वेट प्रेजेंट होते हैं. देन वाटर अगर हम देखें तो 91.5% ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाय वेट क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, एंड अदर सॉल्यूट्स जो है 1.5% जो है वो बाय वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. यानी इन प्रोटीन्स में अगर हम देखें तो जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली ब्लड प्लाज्मा में वो होती है एल्ब्यूमिन जो कि 54% है, देन ग्लोबुलिन्स जो हैं वो 38%, देन फाइब्रोजन 7% एंड ऑल अदर 1% अदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. एंड देन इन अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, गैसेस आती हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड रेगुलेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो ये था ब्लड प्लाज्मा के बारे में. देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम देखें जो कि 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेसिकली जो हमने देखा था 99% जो कंपोजिशन है वो होता है इसके जो नंबर हैं दे आर नंबर पर माइक्रोलीटर में हम एलिमेंट नंबर देख रहे हैं. तो आरबीसी जो होती है वो 4.8 टू 5.4 मिलियन है. देन फॉर्म्ड एलिमेंट में सेकेंड कंपोनेंट्स आते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि 5,000 टू 10,000 हैं, देन प्लेटलेट्स जो कि 1,50,000 टू 4,00,000 प्रेजेंट हो सकती हैं. अब इसमें बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनकी कंप्लीट जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, इनको हम जो कमिंग लेक्चर्स है उनको हम इसमें डिटेल्स में देखेंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड तो इनको हम ओवरव्यू लेंगे यहाँ पर. तो वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स जो कि 60-70% है, देन लिम्फोसाइट विच कंस्टिट्यूट अबाउट 20-25% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, देन मोनोसाइट जो कि 3-8% होती हैं, देन इओसिनोफिल्स जो कि 2.4% है, बेसोफिल्स जो कि 2.5-1% वाइट ब्लड सेल्स को कंस्टिट्यूट करती हैं. इसमें अभी आप देखोगे कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की जाती हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं, देन टी लिम्फोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं. ठीक है, तो इस तरह की लिम्फोसाइट्स में भी फर्दर डिविजन हो जाता है. सो ब्लड प्लाज्मा को अगर हम देखें समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लड में से जब आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स को निकाल दिया
तो जो बच गया वो क्या बचता है, वो बचता है आपका ब्लड प्लाज्मा। हमने देखा जा लेस डेंस है इसलिए ऊपर की तरफ है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स अगर ब्लड से हटाए तो ब्लड बच जाता है ब्लड प्लाज्मा। ये जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, इसको हम सिंपली ब्लड प्लाज्मा ना कह करके प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो अभी हमने देखा था कि इसमें लगभग 91.5% वाटर है एंड बाकी जो बचा 8.5% सॉल्यूट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और ये सॉल्यूट्स में भी हमने देखा था बेसिकली क्या प्रेजेंट थी, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेबल उस फॉर्म में देखा था चार्ट में कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हमने देखी थी कि एल्बुमिन्स प्रेजेंट थे, ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट थे एंड देन फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट था। ये हमने ऑलरेडी देख लिया कितना परसेंट था, वो भी हमने देख लिया। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स देखी, इनकी जो सिंथेसिस होती है वो हेपेटोसाइट्स मींस लिवर सेल्स के में होती है। तो जो हेपेटोसाइट्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ठीक है। एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन हो गया एंड फाइब्रिनोजेन, इनकी सिंथेसिस होती है हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर सेल्स में। इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं ऐसी सेल्स में जो कि आगे जाकर के गामा ग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्लोबुलिन होता है। दिस इज गामा ग्लोबुलिन जो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्लोबुलिन एंड दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल रहे हैं क्योंकि ये जो होती है सर्टेन टाइप ऑफ जो इम्यून रिस्पॉन्सेस, लाइक किसी वायरस ने बॉडी पे अटैक कर दिया या बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, उस टाइम पर ये जो प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो एंड ये अभी हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं कि ये स्पेसिफिक जो एंटीजन है जिसकी वजह से जिसने बॉडी पे जो अटैक किया है एंटीजन ने, उससे ये स्पेसिफिक डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस के लिए, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन है उस पे काम करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन यानी कि जो फॉरेन सब्सटेंस से बाहर से आ रहा है उस पे अटैक करती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। सो प्लाज्मा के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन और हम फंक्शन देखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट है, देन उसका हम डिस्क्रिप्शन देंगे एंड देन उसका फंक्शन देखेंगे। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूंट है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार समराइज कर लेते करना है। वाटर हम जानते हैं 91.5% वाटर होता है एंड ये क्या है, दिस डिस्क्रिप्शन में आप कह सकते हैं कि जो वाटर है दिस इज़ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, सस्पेंडिंग मीडियम की तरह काम करता है एंड ये एब्जॉर्ब करता है ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज करता है हीट को। तो ये वाटर का फंक्शन हो गया। देन हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स देखी थी, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन, इनके हम डिस्क्रिप्शन और फंक्शन देख लेते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है हमने देखा था लिवर सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं यानी कि हेपेटोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एंड ये जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है कि ब्लड की विस्कोसिटी कितना रहेगा उसको उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्मोन्स को, स्टेरॉइड, फैटी एसिड्स एंड कैल्शियम एंड ये इसके साथ साथ ब्लड का जो पीएच है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, नंबर वन एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो हमने देखी थी दिस इज स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी होती है और सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, मोस्ट न्यूमरस जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। इसका काम क्या है कि ये हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ फ्लूड अक्रॉस ब्लड कैपिलरी वॉल, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरी की वॉल होती हैं, ठीक है, उसके अक्रॉस, ठीक है, जैसे ब्लड कैपिलरी वॉल उसके अक्रॉस जो एक्सचेंज होता है फ्लूड्स का उसमें ये हेल्प करती हैं ये प्रोटीन्स, राइट।
देन सेकेंड जो प्रोटीन्स आती हैं दीज आर ग्लोबुलिन्स, हमने ऑलरेडी देखा था. तो ये जो है वो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है. हमने देखा था कुछ ब्लड सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, गामा ग्लोबुलिन्स हमने कहा था, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला था. तो दीज आर लार्जर प्रोटीन्स, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इन्हें एंटीबॉडीज भी बोला था. और इनका जो फंक्शन होता है, हमने कहा था कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं इन अटैकिंग वायरस एंड बैक्टीरिया, इन पे अटैक करती हैं. और इसमें जो अल्फ़ा और बीटा टाइप्स की ग्लोबुलिन्स होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा टाइप्स की जो ग्लोबुलिन्स होती हैं, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उनके ट्रांसपोर्ट में ये रोल प्ले करती हैं. थर्ड हम जानते हैं प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं फाइब्रिनोजेन. तो ये भी लार्ज प्रोटीन्स हैं एंड ये हेल्प करती हैं, एसेंशियल रोल प्ले करती हैं इन ब्लड क्लॉटिंग. इसके बाद हमने देखा था जो ब्लड प्लाज्मा में अदर सॉल्यूट्स होते हैं 1.5%, इसमें नंबर वन आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं. इसके बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ साथ ये नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस भी प्रेजेंट होते हैं. क्लोराइड है, सल्फेट है, HCO3 नेगेटिव, HBO4 2 नेगेटिव, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, या हम कहते हैं एनायंस जो है वो से ये कॉन्स्टिट्यूट होता है. देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं. इनका रोल क्या होता है, दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इसके साथ साथ ये सेल के फंक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन जो अदर सॉल्यूट्स में अदर कंपोजिशन आते हैं वो होते हैं कंपोजिशन है वो है न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हुए, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स. इनका फंक्शन क्या है, दे ये सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. देन इसके बाद अदर सॉल्यूट्स के अंदर आते हैं वो होते हैं गैसेस. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन जो है दिस इज़ इन्वॉल्व इन मेनी सेलुलर फंक्शन एज वी नो इन रेस्पिरेशन, मीन्स वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड से, तो डिफरेंट रोल्स प्ले करती है. देन कार्बन डाइऑक्साइड जो विचू की हेल्प करती है ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने में, एंड नाइट्रोजन जिसका फंक्शन अभी भी नोन नहीं है. इसके साथ साथ ब्लड प्लाज्मा में अदर जो सॉल्यूट्स में नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंसेस. तो इसमें एंजाइम्स आ सकते हैं, एंजाइम आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. देन हार्मोन्स आते हैं विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. देन वाइटामिन्स आते हैं जो कि कोफैक्टर के फॉर्म में काम करते हैं फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वहाँ पर कोफैक्टर का काम करते हैं. देन नेक्स्ट आता है डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे हमने देखा था यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, बिलीरुबिन एंड अमोनिया. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स इनका क्या फंक्शन है, तो ज़्यादातर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के. तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है उसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं उसके फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज आर कैरीड बाय द ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, एंड ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन में इनको ब्लड जो है वो लेकर के जाता है जहाँ से इनका एक्सक्रीशन हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लड प्लाज्मा. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में. सो फॉर्म एलिमेंट्स में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं वो हैं RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, मतलब, एंड दिस इज इसको हम एराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, RBCs को या रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. देन आती हैं आपकी वाइट ब्लड सेल्स एंड देन आती हैं आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है. तो ये हमने जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके टाइप्स देख लिए थे, ठीक है. लिम्फोसाइट्स में फर्दर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आते हैं.
सो जो आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम डिटेल में कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे। यहाँ कंपोनेंट्स है तो हम यहाँ पे आरबीसी के फंक्शंस शॉर्ट में देख रहे हैं। तो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करती हैं फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है, टोटल जो ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें से कितना परसेंट आरबीसी प्रेजेंट है। द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आरबीसी, उसको हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। मान लीजिए अगर हीमेटोक्रिट की वैल्यू 42 है, इसका मतलब ये है कि 42% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज कम्पोज ऑफ आरबीसी, कि टोटल जो ब्लड है उसके वॉल्यूम का जो 42% है उसमें वो किसका है, आरबीसी से कंस्टिट्यूट किया गया है। सो अडल्ट फीमेल के अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है हीमेटोक्रिट की, दिस इज 38 से 46%, एवरेज आता है 42%। इस तरह से अडल्ट मेल में जो हीमेटोक्रिट होता है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 54%, एंड एवरेज वैल्यू आती है इसकी 47। तो जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि मेल्स के अंदर हमें पता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ इराइथ्रोपोइटिन। तो टेस्टोस्टेरोन इराइथ्रोपोइटिन की जो सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करता है, और ये जो इराइथ्रोपोइटिन होता है ये ऐसा हार्मोन है जो कि आगे जाकर के आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है। अब हम जानते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से मेल्स का जो हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके साथ साथ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, इस वजह से भी हीमेटोक्रिट की वैल्यू लो होती है। लोअर वैल्यूज इन वुमेन ड्यूरिंग द देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑल्सो मे बी ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब अगर हीमेटोक्रिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो मीन्स एनीमिया हो गया, मीन्स लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी। और अगर इसकी जो आरबीसी का नंबर है बहुत एक्सेसिव हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या है, द परसेंट ऑफ आरबीसी इज एबनॉर्मली हाई हो गया, तो दिस इज पॉलीसाइथीमिया। एंड हीमेटोक्रिट जो है वहाँ पे 65% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। अब जब पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, आरबीसी का नंबर इतना ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, एंड इसकी वजह से ब्लड का जो पंपिंग है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इट मेक्स द ब्लड मोर डिफ़िकल्ट फॉर द हार्ट टू पम्प, पम्पिंग जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो जब विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा एंड रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स वो भी बढ़ जाता है। अब पॉलीसाइथीमिया के जो कॉजेज है उसमें आता है आरबीसी का प्रोडक्शन जो है उसमें एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो जाए, या टिशू हाइपोक्सिया हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से, या ब्लड डोपिंग की वजह से हो सकता है, या फिर एथलीट्स अगर EPO इराइथ्रोपोइटिन का यूज़ करते हैं लेते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपोलिसाइथीमिया हो सकता है। तो दिस वॉज अबाउट ब्रीफ में हमने आरबीसी के बारे में बात की। देन नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नेक्स्ट कंपोनेंट आता है WBC या वाइट ब्लड सेल्स। तो ये इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस, जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं इन्वेड करते हैं उनसे, एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस से। तो इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो थे अभी ऑलरेडी देखे थे, हमने देखा था कि दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, हमने न्यूट्रोफिल्स देखा था, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इसके हमने परसेंटेज भी देखे थे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स में हमने देखा था फर्दर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जिन्हें बी सेल बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो हर एक जो WBC है जो हम टाइप्स देख रहे हैं वो अपने तरीके से बॉडी के डिफेंस, मतलब ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो हर एक जो टाइप है WBC का वो अपने तरीके से बॉडी के डिफेंस में रोल प्ले करता है। थर्ड जो कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का वो होता है प्लेटलेट्स, विच इज़ अ फाइनल
type of formed elements. ये क्या होते हैं? These are the fragments of cell that do not have a nucleus. ये cells के fragment हैं और इनमें nucleus नहीं होता है. इनका बहुत सारे roles तो हैं ही. इसके साथ साथ they release chemicals. ये ऐसे chemicals को release करते हैं जो कि blood clotting को promote करते हैं ताकि blood loss ना हो. मीन्स जब जिस टाइम पर ब्लड वीजल्स डैमेज जाती हैं और ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उस टाइम पर ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं. ठीक है, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस. इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं इन्हें दे आर इक्विवेलेंट टू थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स में के इक्विवेलेंट माना जाता है, बट थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड दे आर फाउंड इन लोअर वर्टिब्रेट. तो ये भी इनका भी काम होता है कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना बाय द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. बट थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है एंड ये जो आपके प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. सो दिस वॉज अबाउट द कंपोनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ब्लड. एंड इन द कमिंग लेसन्स हम RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.